ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ तो गाइस यहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज करवा ली है, $20 यहाँ पर ले लिए हैं जो कि मुझे पड़े हैं 1790 रुपए के, 1790 रुपीस के $20। एक्सचेंज कंपनी है यहाँ पर जहाँ के आप अपने जो नोट है वो एक्सचेंज कर सकते हो, और यहाँ पर बूथ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जहाँ की आपको $20 जो फीस है जहाँ की जमा करवानी है। तो काफ़ी सारे बूथ्स अवेलेबल हैं कैश जमा करवाने के लिए। कैश जमा करवाने के बाद आपको कॉपी मिल जाएगी यहाँ पर, जैसे कि लिखा है कैश रिसीव्ड बाय राजन रामपाल, $20 कैश रिसीव्ड, और यहाँ पर स्टैंप लग जाएगी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। आपको इसको संभाल के रखना है अंदर जाने के लिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਫੀਸ ਲੋੜ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਲਓ ਡੇ ਕੈਮਰਾ, ਓਕੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰ। ਉਹ ਗਾਈਸ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ, यहाँ पर इमिग्रेशन जो कि काफ़ी स्मूथ रहा, इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने काफ़ी बातें की मेरे से अबाउट इंडिया। आपके जो $20 की रिसिप्ट है उस पर स्टैंप लग जाएगा इमिग्रेशन का, पाकिस्तान इमिग्रेशन। जैसे ही स्टैंप लगने के बाद आपका बैग स्कैन होगा, और फिर ये बस में बैठ के श्री करतारपुर साहिब, दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान की तरफ जा सकते हो। और बीच में आपको ये एक कार्ड मिल जाएगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्ड है, आपको इस कार्ड को संभाल के रखना है, और इमिग्रेशन स्टैम्प को भी संभाल के रखना है। एक जर्नी स्टार्ट करते हैं आगे से, ठीक है। तो मैं पहुंच गया हूं दर्शनी द्योड़ी में, यहां से जो गुरुद्वारा है वो स्टार्ट होता है। तो यहां पर आपको अपने जोड़े जो हैं, अपने शूज़ यहां पर जमा करवाने हैं, और उसके बाद आगे जा सकते हो आप गुरुद्वारा में। गुरुद्वारा में आपको सर ढकना है और जूते अपने जमा करवा के ही अंदर जाना है। तो गाइस, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मेन गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब मेरे पीछे है। यहाँ की श्री गुरु नानक देव जी, जो सिखों के पहले गुरु थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी यहाँ पर बिताई, और वो यहीं पर ही ज्योति जोत समाए थे। और अभी मैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करूँ। वो कुआं वेल जहाँ से श्री गुरु नानक देव जी खेती करते थे, अपने खेतों में खेती करते थे वो, उनके जो खेत हैं वो उस साइड में है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद ये देख के मैं आपको अपने उनके खेत दिखाऊंगा। तो यहाँ से गुरु नानक देव जी खेती करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है खेती साहिब जहाँ पर
गुरु नानक देव जी खेती करते थे। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है यहाँ पर। यहाँ पर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हैं, इनके हाथ लगे हैं यहाँ पर। यह है निशान साहिब और साइड में श्री खेती साहिब। मैंने दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला दर्शन करके। और यहाँ एक्चुअली पाकिस्तान आवाम और पाकिस्तान की जनता भी बहुत आती है ये गुरुद्वारा देखने। वो कहते हैं कि जितने गुरु नानक देव जी आपके हैं उतने ही हमारे हैं। तो काफ़ी लोग मेरे को मिले, काफ़ी लोग अच्छा लगा उनको, काफ़ी लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं मेरे साथ। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा हूँ कि मैं इंडिया में ही हूँ। और पाकिस्तान के लोगों से बात हुई, काफ़ी लोगों से बात हुई, स्टूडेंट्स से बात हुई, काफ़ी खुश हैं स्टूडेंट्स। वो चाहते हैं कि उनके लिए भी गेट खोले जाएं, वो भी इंडिया में आएं और हमारी इंडिया की प्लेसेस देख सकें। एक तो बोल रहा था कि मेरे को ताजमहल देखना है, किसी को किसी दरगाह में जाना है। सभी लोग इतने अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं सब लोग। पाकिस्तान के लोग, इमिग्रेशन के लोग भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बात करते करते मेरी इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस किया। तो अंकल जी किदा लग रहा था, मतलब बंदे उत्थों आ रहे इंडिया तो किदा लग रहा? बहुत खुशी है, सानू भी बहुत खुशी है इतने आ गए, बहुत वधिया लगा। हाँ जी नारोवाल सियालकोट। ठीक है जी, बहुत वधिया लगा। गुरदासपुर मेरा भी पिंड जेड़ा गुरदासपुर ही है। गुरदासपुर के नजदीक पटोए पिंड सारे इथे रहण वाले से सारे बस लग रहे हैं। मिल के खुशी हो रही है, खुश हो रही है मैं। और ये मोहब्बत प्यार की बातें और ये अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अभी मैं जाऊंगा लंगर हॉल में, लंगर खाऊंगा और उसके बाद थोड़ा मार्केट में घूम के फिर अपनी जो वापसी की जर्नी है वो स्टार्ट करूंगा। और एक चीज और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको उसी दिन ही वापस से जाना पड़ेगा। और गुरु नानक देव जी का लंगर है, लंगर घर काफ़ी बड़ा है, लंगर हॉल काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना जो है, लंगर जो है अवेलेबल है, लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर लोकल लोग, यहाँ के लोग सेवा कर रहे हैं, उसके बाद वो अभी आए तो सेवा कर सकते हैं यहाँ आके। तो दोस्तों लंगर का मतलब है कम्युनिटी किचन, स्टार्टेड बाय फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स श्री गुरु नानक देव जी। तो उन्होंने ये प्रथा स्टार्ट की और उन्होंने कहा कि सब लोग इक्वल हैं, किसी भी, वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, किसी भी एज के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कलर के हैं, तो वो सब लोग एक हैं और एकजुट होकर यहाँ पर बैठ के खाना खाएं। तो उसको नानक देव जी ने स्टार्ट किया, वो अभी तक चल रहा है, हर गुरुद्वारे में ये चल रहा है। तो गाइस लंगर मैंने खा लिया है, बहुत ही अच्छा लंगर था, बहुत ही मज़ा आया खाने में, बहुत ही प्यार था उस खाने में, पाकिस्तान के लोगों का प्यार था उसमें। और बहुत ही मज़ा आया मेरे को खाना खाने में, यहाँ पर लंगर खाने में ऐसा फील हुआ कि मैं इंडिया में ही किसी गुरुद्वारा में लंगर खा रहा हूँ। यहाँ पर मिनी मार्केट है, यहाँ पर पाकिस्तान यात्रियों की एंट्री है,
वो यहाँ बाहर से आते हैं और यहाँ से एंट्री करते हैं। उनका जो फीस है एंट्री का वो है 200 रुपीज़, और वो भी यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो यहाँ दोस्तों सामने है मेरे रेड क्लिफ लाइन, जो कि रेड क्लिफ ने खींची है इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1947 में, और इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, दो देश बना दिए, एक देश को दो देश बना दिया, हमारे के बीच में सब कुछ बट गया। बट जो प्यार है वो सेम ही रहेगा, उसको कोई बांट नहीं सकता। तो बहुत बहुत थैंक्स है हिंदुस्तान गवर्नमेंट का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये कॉरिडोर बनाया और खोला, और जिससे कि जो लोग हैं आ सकते हैं यहाँ पर गुरुद्वारा देखने और मिल सकते हैं अपने पाकिस्तान भाइयों से। गैस जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट क्या करें, टाइम ही उतना है और अभी जाना पड़ेगा। यहाँ पर रात को रुक नहीं सकते, अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को। बस रेडी है और सारे दर्शन हो गए हैं मेरे, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं गुरु नानक देव जी के शरण में आके। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है इस गुरुद्वारे में। और अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, बस यहाँ पर लगी हुई है, देखते हैं। आते समय ईटी और पासपोर्ट हमें चेक करवाना है आगे, और यहाँ पर अराइवल में आपको अंदर जाना है कॉरिडोर में। फिर से सेम प्रोसीजर, सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन एग्जिट स्टैम्प, नॉट ऑन योर पासपोर्ट, ओनली ऑन योर ईटीए फॉर्म, और उसके बाद एग्जिट डन। गाइस बैक टू पवेलियन, बैक टू इंडिया। गाइस ये था मेरा व्लॉग नंबर 6, तो देखते रहिए मेरे चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त राजन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इट्स आरजे टेक्की।